है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। अभी श्री अंशनाथ भगवान उन्हें भी याद करते हुए ये कहना चाहता हूँ, चूंकि आज आप लोग बहुत ही प्रसन्नता के साथ मोक्ष मार्ग की प्रभावना के लिए उद्यमशील हुए हैं। आज वैसे ही स्वतंत्रता दिन भी सुनते हैं, हाँ तो रक्षा दिवस भी है, स्वतंत्रता दिवस भी है, और आत्मा को स्वतंत्रता पहले चाहिए क्योंकि बंधन तो बहुत दिन हो गया। जिसको आप लोग जीवन कहते हैं वह भी एक प्रकार से बंधन है जो जी रहे हैं। आज मैं एक प्रकार से उस सब की बात को एक शिक्षा के माध्यम से कहना चाहूँगा कि शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा बाहर की नहीं भीतरी आंखें खुलती है। कुछ दिन पहले कुछ बंधु आए थे हमारे आदिवासी इलाके से, और उनको जो रोजगार करते थे उसके लिए जो मदद सहयोग मिलता था वो मिलना बंद हो गया। तो सुनते हुए आए, यहाँ पर कुछ उसका प्रबंध हो रहा है तो रखा, तो वो बहुत खुशी का अनुभव करते हैं और कहते हैं हम आजीवन पर्यंत मुसलमान होकर के भी मांस और शराब का त्याग किया। 70 परिवारों को भी वो इसी प्रकार के संकल्प दिलाया है, और भी उनके चौकड़े में कि इस प्रकार रोजगार चाहने वाले बहुत सारे श्रमिक विद्यमान हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, राष्ट्र और सरकार भी ये कहती है हम गरीबी को हटाना चाहते हैं। गरीबी को हटाने के लिए कोई मांगने वाला कभी गरीबी को हटा नहीं सकता, ऐसा सब लोगों की मान्यता भी ऐसी ही है और होना भी चाहिए। तो उसी बात को लेकर के मैं कहता हूँ कि रोटी न मांगो, रोटी बनाओ, रोटी बनाना सीखो। सुना, रोटी न मांगो, रोटी बनाना सीखो तो क्या होगा, तो खिला के खाओ, यही एकमात्र शिक्षा है। इस शिक्षा में दरिद्रता पूर्ण साफ हो जाएगी और यह श्रम की ओर आप लोगों का दृष्टिपात हो जाएगा, पूरा का पूरा हल हो जाएगा। हम श्रमण परंपरा के उपासक हैं और 2400 भगवान श्रम के लिए ही प्रेरित किया। धर्म अर्थ और काम ये तीन पुरुषार्थ, ये भी पुरुषार्थ है जो मोक्ष पुरुषार्थ के लिए भूमिका का निर्वाह कराते हैं। जब तक भूमिका नहीं बनती, सीढ़ियाँ नहीं लगती, तब तक ऊपर चढ़ना कुछ होता नहीं है। इसलिए इतना कहना चाहता हूँ हम रोटी न मांगे, रोटी बनाना सीखे तो अवश्य ही ये दरिद्रता दूर होगी। इसलिए आज उनकी घोषणा हुई सरकार की ओर से, हमने भी भाव किया था। देखो इतिहास पढ़ने से ये ज्ञात होता है, किसानों के बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन वो आत्महत्या करते चले जाते हैं क्योंकि उनकी कमी को कोई पूर्ण नहीं कर पाता। बात बिल्कुल ठीक है, केवल ऊपर से ही पानी आता ऐसा नहीं, जो पानी आया है वह संग्रह न हो, क्योंकि संग्रह के परिणाम आज कर्नाटक और ये अपने महाराष्ट्र और केरल में गत साल 2 साल पूर्व में प्रलय जैसा हुआ,
आज यहाँ पर भी कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रलय जैसा हुआ, पानी खूब गिरा किंतु पानी को यथाविधि जिस दिशा में ले जाना चाहिए वह प्रबंध नहीं था, इसलिए प्रलय का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार सरकारी निगाह भी सूर थी तो जल प्रबंध यदि हो जाता सही सही, यह अर्थ पुरुषार्थ में, काम पुरुषार्थ में, धर्म पुरुषार्थ में आ जाता। इतने सारे पशु पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करना बहुत कठिन है, लेकिन पानी को सब नदियों में यदि बहा दिया जाता है, समुद्र की ओर न जाए क्योंकि वह खारा बनना है वहाँ पर, इसका सदुपयोग करेंगे तो अवश्य आपका इस श्रम के कारण धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ बहुत अच्छे फलेंगे और मोक्ष क्या होता है फिर बाद में आपको ज्ञात होगा। श्रम करने से पसीना आता है और सीना चौड़ा हो जाता है। मोक्ष पुरुषार्थ के लिए निरोग शरीर की भी बड़ी आवश्यकता है। ज़्यादा न करके इतना ही कहना चाहूँगा कि हमें श्रम करना, श्रवण परंपरा की उपासना इसी में नीत है। वृषभनाथ से लेकर के 2400 भगवान हमारे कोई भी वैश्य नहीं हुए, सुन रहे हो, तराजू लेकर के बैठे आप लोग, कोई भी महावीर भगवान के और न वृषभनाथ भगवान के आप उपासक सिद्ध ही नहीं होते। उन्होंने तो ये कहा कि हम तो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का कहना ये है वह न तराजू हाथ में लेता है, न बाट लेता है, न नापतोल रखता है, किंतु ये जो रखते हैं उनको सही सही शिक्षा देता है, दंड देता है, नहीं मानते हैं तो उसको अवश्य बाध्य करके इस ओर आकृष्ट कर देता है। ऐसे हमारे 24 भगवान हुए, उनके पास न तराजू है और न ही बाट है, किंतु उनका मात्र अभय हाथ उठा हुआ रहता है। ये तीन लोग के लिए अभिदान देने वाले ऐसे क्षत्रियता के साथ रहे थे, इसलिए इस भूमि का संरक्षण किया। और एक प्रकार से जो व्यक्ति यहाँ पर रहना जीना चाहते हैं उनके लिए ऐसी मची कृषि वाणी शिल्प इत्यादि 2400 तीर्थंकर अपने जीवन के काल में यह अवश्य खेती बाड़ी करना, शिक्षा देना, यह उनका कार्य हुआ। फिर बाद में उन्होंने संन्यास पद को प्राप्त किया था। संक्षेप से इतना है कि आप लोग सही दिशा में श्रम करना सीखिए और सही दिशा बोध को प्राप्त करिए। अहिंसा परमो धर्म।